क्या कॉन्ट्रोवर्सीज है गदर में? क्या मुस्लिम्स को बुरा दिखाया गया है? क्या इंडिया के सेकुलरिज्म खतरे में है? कब रिलीज होगी गदर 2? आमिर खान ने खुद कहा था कि लोग इस फिल्म को देखने के लिए लंबा सफ़र तय करके आते हैं, ट्रकों में भर भर के आते हैं। उन्हें यह डर था कि कहीं इस फिल्म के साथ में रिलीज होने वाली उनकी फिल्म लगान कोई लॉस में तो नहीं चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सनी देओल और अमीषा पटेल की मूवी गदर, एक प्रेम कथा की। तो आइए जानते हैं गदर 2 की स्टोरी, रिलीज डेट, कॉन्ट्रोवर्सीज और भी बहुत सारी बातें। गदर टॉप 3 हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्मों में से एक है। 2001 में यह फिल्म 4.86 बिलियन NRI कमाया था और बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ से ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का खिताब भी मिला था। इस मूवी के गाने भी काफ़ी पसंद किए गए थे और ऑलमोस्ट 25 मिलियन कॉपीज बिकी थी इस फिल्म के एल्बम की। ये कहा जाता है कि गदर की कहानी बूटा सिंह की लाइफ स्टोरी के ऊपर सोली बेस्ड है। बूटा सिंह तत्कालीन ब्रिटिश समय में आर्मी मैन हुआ करते थे। गदर की जो कहानी है वो पार्टीशन के इर्द गिर्द घूमती है और इस मूवी में कई सारे एलिमेंट्स हैं जो मैक्सिमम टाइम लोग अनदेखा कर देते हैं, जैसे कि गदर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने के बावजूद भी मुस्लिम्स को एक नेगेटिव शेड्स में दर्शाया है। कैसे मुस्लिम ने एक मुस्लिम को जलील किया और उसके बीच एक सिख ने उन्हें आके बचाया। मुस्लिम्स कितने क्रूअल होते हैं ये दिखाया गया है। मुस्लिम्स इज इक्वल टू पाकिस्तान इज इक्वल टू हेट, यही लॉजिक आज तक काफ़ी सारी फिल्मों में भी दिखाया गया है और इंडिया की सेक्युलरिज्म को थ्रेट कर रही है। रिसेंटली तनिष्क की एक एडवर्टाइजमेंट को लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां गदर के कुछ सीन्स को लेकर भी सोशल मीडिया पे जंग शुरू हो गई थी। लेकिन इस जंग के बीच आ रहा है गदर का सीक्वल। हम आपको बता दें कि गदर फिल्म के मेकर्स ने फिल्म के एक सीक्वल के बारे में 15 साल से सोच रहे थे। फिल्म के डायरेक्टर्स अनिल शर्मा ने कहा है कि बाहुबली और फास्ट एंड फ्यूरियस जैसे मूवीज़ की तरह ही यह एक ही प्लॉट लाइन के इर्द गिर्द घूमेगी और एक ही प्लॉट लाइन को आगे बढ़ाएगी। सीक्वल में तारा सिंह और सकीना की आगे की कहानी दिखाई जाएगी। जैसे कि हमने कई दफ़ा कहा है कि ऑडियंस इवॉल्व कर रहे हैं, तो कई ऐसे सीन्स हो सकते हैं जो शायद गदर 2 में रेफर ना की गई हो और शायद प्लॉट जो है वो थोड़ा और सॉफ्ट बने। गदर की जो प्लॉट है वो पूरी तरीके से पार्टीशन के वक्त बनी थी और नेचुरली काफ़ी अग्रेसिव भी थी, लेकिन पार्टीशन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में ना रखते हुए बहुत से लोग इसे हिंदू मुस्लिम के विवाद का कारण भी मानते हैं और नो डाउट वो सफल भी हो रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। हम मुस्लिम्स को अकबर और औरंगज़ेब में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब गुड मुस्लिम्स और बैड मुस्लिम्स के नज़रिए से देखने लगते हैं, इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं, क्योंकि हिंदूस का यही नोशन है कि वो लोग पीस लवर है। मगर ऐसा नहीं है कि कोई एक धर्म या एक ही मज़हब बुरा हो। लोग और उनके काम बुरे हो सकते हैं, मगर कोई एक के लिए 10 मासूमों को रुलाना तो गुनाह ही है। गदर की कंट्रोवर्सी कुछ चीज़ों में इंडियंस की सेकुलर एस्पेक्ट्स को भी चैलेंज की है और हमें ये सोचने पर मजबूर किया है कि हम एज अ इंडियंस कितने यूनिफाइड हैं। लेकिन गदर 2 में शायद हम एक सॉफ्टर और एक साइकोलॉजिकल अनविलिंग देख पाएंगे। उस पार्टीशन के दर्दनाक वक्त से लेकर आज के वक्त तक काफ़ी चीज़ें हो चुकी है और क्या होता है और क्या गुजरता है सकीना और तारा सिंह के ज़िंदगी में, हम मूवीज़ में ये देख सकते हैं। कैसे उन दोनों ने अपनी डिफ्रेंशिएशन को ओवरकम किया, लोग यही देखना पसंद करेंगे। लोग शकीना और तारा सिंह में पाकिस्तान और इंडियन का यूनिफिकेशन देख चुके हैं, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि उनके बेटे को पाकिस्तान या इंडियन नहीं, बल्कि ऑडियंस अब एक प्यार से पला बड़ा मामूली इंसान देखना पसंद करेंगे जो कि मोहब्बत की बोली बोलता हो। तो कब हो रही है रिलीज गदर 2? अनिल शर्मा ने हाल ही में कहा था कि फिल्म के सीक्वल के बारे में
कि एक और फिल्म है जिसका नाम आया था और उसका नाम है अपने। इस फिल्म में धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल तीनों हैं। तो इस फिल्म का जब सीक्वल बन रहा है तो यह भी हो सकता है कि गदर पार्ट टू भी साथ ही रिलीज हो जाए। अगर गदर टू बनती है तो शायद ये अपने प्रीक्वल से भी आगे निकल जाए। और फिल्म निर्माताओं का तो यही प्लान है कि ये फिल्म वो काफ़ी सुपर डुपर हिट बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो गदर 2 के रिलीज़ के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं हमें बताइएगा ज़रूर। और फिल्मी दुनिया से जुड़े और भी कई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस देखना मत भूलिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।